ये हमारा दोस्त है, हाँ सी सुन, इसके बस का व्लॉगिंग व्लॉगिंग कुछ नहीं है, ये बस है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। और अगर आज का लाइफ स्टाइल बताया जाए तो वाह यार, ये जगह देख रहे हो भाई ये। तो हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग, ब्रांड न्यू व्लॉग बोल सकते हो आप इसे। तो ये जो है हमारा सेकंड व्लॉग है लखनऊ जर्नी का। तो आई होप आपने पुराने जो व्लॉग्स होंगे उसमें बहुत सारा मुझे प्यार दिया आई नो, और इन्जॉय भी किया होगा। तो जो भाई ये व्लॉग होने वाला है ना, ये व्लॉग भी बहुत मस्त होने वाला है हमारे पुराने व्लॉग्स की तरह। और इस व्लॉग में फिर से व्लॉग को हम शुरू करेंगे यार, तेरे बस का नहीं है ये व्लॉगिंग व्लॉगिंग ये भाई। अभी हम जाएंगे, अरे माइक वाइक हाँ दे यार, ये तेरे बस का नहीं, ये लो यार माइक दे लो यार। ये हमारा दोस्त है, हाँ सी सुन, इसके बस का व्लॉगिंग व्लॉगिंग कुछ नहीं है, ये बस ऐसी थोड़ा बहुत बोल लेता है, ऐसे सिखाया है मैंने, और थोड़ी सी कोचिंग वोचिंग ली है, बट कोचिंग में इतना अच्छा नहीं कर पाया है। गाइस अभी हम आपको ले जाएंगे बाउली में, अभी हमने भी देखी नहीं है बाउली, तो अभी अंदर जाएंगे देखते हैं क्या होता है। और इसका माइक वाइक अभी मैंने ले लिया है, तो चलिए गाइस चलते हैं अभी अंदर। और आगे थोड़ा आपको आशीष दिखाएगा, थोड़ा मैं दिखाऊंगा, तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे गाइस, थैंक यू। तो गाइस यहाँ से हमने ले लिया ये टिकट वगैरह यहाँ का। तो अगर मैं बात करूँ इस जगह की, नाम इस जगह का नाम है शाही बॉली। तो गाइस फाइनली हमने ले लिया यहाँ से एंट्री, और ले लिया था हमने टिकट। तो पारस भैया तो अंदर चले गए हैं, तो हम भी देखते हैं अंदर जाके। वाह यार ये जगह देख रहे हो भाई, ये है बाउली इमामबाड़ा में। तो गाइस यहाँ पे हैं हमारे पारस भैया, तो हम पारस भाई से पूछते हैं इस जगह के बारे में, थोड़ा सा शायद उन्होंने सुना था गाइड वगैरह से। तो भैया आप बताइए, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्राउड है ना, बताइए। जगह का नाम बाउली कुआं है, और इसे जल महल भी बोला जाता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो पानी भरा हुआ है वो एज ए सीसीटीवी काम करता है, उससे दिख जाता है कि कौन मतलब आगे से आ रहा है सामने से, उसे ऊपर से लोग देख लेते थे कि सामने से कौन आ रहा है, तो एज ए सीसीटीवी वर्क करता है ये। अच्छा, देखते हैं आगे और घूम के। तो गाइज ये देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये जो बिल्कुल भी है यहाँ से मतलब एक अलग ही तरह की स्मेल देख सुनने को मिलती है, क्योंकि भाई मतलब जो यहाँ की स्मेल है ना, ये मतलब एक जैसे मिट्टी के ऊपर पानी वगैरह वाली स्मेल होती है, तो वो यहाँ से आती है। क्योंकि जो नीचे का पहले होता था कि यहाँ पे बिल्कुल मतलब पानी वाला सरफेस होता था, ठीक है। तो जैसे अभी भैया ने बताया कि यहाँ से अगर पानी होता है तो वहाँ के लोग बिल्कुल देखेंगे कि सामने से कौन आ रहा है, मतलब एक तरह से बिल्कुल सीसीटीवी का काम करता है जो ये जगह है ना। तो यार देखिए मतलब अपने तरीके से बना रखी है, बहुत ही प्यारी। और सुनने को तो ये भी आता है कि नीचे जो पहले होता था, पहले के टाइम पे, पुराने टाइम पे, कि नीचे की जो ये सतह थी ये बिल्कुल कनेक्टेड थी नदियों से, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, और गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे क्राउड स्टार्ट हो गया है। और हमारे भैया जी कहाँ गए, ये देखते हैं, अब अंदर चलते हैं यहाँ की तरफ। वाओ, तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे हो कितने प्यारी प्यारी आकृतियाँ बना रखी हैं यहाँ पे, बिल्कुल। और अगर मैं मिट्टी की बात करूँ तो ये मिट्टी थोड़ी सी अलग है, ये मतलब नॉर्मल वाला प्लास्टर नहीं है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो डाउन में, ये यहाँ पे कुआ है। यहाँ पे पहले क्या होता था कि यहाँ पे पहले पानी इकट्ठा होता था, अभी तो थोड़ा सा मतलब मेंटेनेंस वगैरह का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो यार, मतलब पहले का जो महाराजों का स्टाइल होता था या उनकी लग्जरियस लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो वो बहुत ही डिफरेंट होती थी, और बहुत ही मतलब उनका लाइफ स्टाइल अलग होता था, है ना। और अगर आज का लाइफ स्टाइल बताया जाए तो मतलब आज के लाइफ स्टाइल में कोई ऐसी बात नहीं है जो पुराने वाले लाइफ स्टाइल्स में होती थी, क्योंकि पुराने वाले लाइफ स्टाइल भाई होते ही एक अलग ही लेवल के थे, क्यों। तो अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और अगर मैं बात करूँ यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पर अंधेरा बहुत है यार। तो अभी वैसे मुझे पता नहीं है कि पारस भाई है कहाँ पर, बट मैं आप लोगों को घुमाते जा रहा हूँ यहाँ पे। ओ यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, तो यहाँ से बिल्कुल डाउन जो डाउन वाला पोर्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और ये है हमारे भैया। तो चलते हैं अभी भैया के पास। ओ भाई अभी मैं गिर गया था यहाँ पे, देख रहे हो। तो अभी कहाँ था रास्ता, तो गाइस वहाँ से तो मैं नीचे उतर गया हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से एक अंडरग्राउंड रास्ता जा रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ जो है, आगे की तरफ भी बहुत अच्छा अच्छा मतलब व्यू है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और लोग देख रहे हो यार यहाँ पे कैसे मतलब वीडियोस वगैरह बना रहे हैं इस जगह की। और यहाँ पे देखो भाई बहुत डीप डाउन है, बहुत डीप डाउन। यार मैं ये सोच रहा हूँ अगर पुराने टाइम पे अगर यहाँ पे स्विमिंग पूल होता होगा, होता भी होगा अगर मान के चलिए, तो यार भाई यहाँ से डाई लगाने का मज़ा ही अलग लेवल का होगा भाई, अलग लेवल का। अगर बाई चांस यहाँ पे अभी स्विमिंग पूल होता तो डेफिनेटली यार यहाँ से डाई लगा ही देता मैं। भाई देख रहे हो मतलब एक तरफा, एक तरफा है। और यहाँ पे मतलब बार बार हर स्पॉट में आपको अंडरग्राउंड वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे,
तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से आप फिर से आप एग्जिट हो जाएगी आपकी, और बिल्कुल भैया फिर से मतलब वो वाले पार्ट में खड़े हैं जहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई थी। तो यहाँ पर मतलब इतना ही है देखने के लिए। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हिस्ट्री की, तो यहाँ पे जो हिस्ट्री है यार वो बहुत ही औसम है। तो गाइज अभी हम फाइनली नीचे जा रहे हैं देखने के लिए, और ये पारस भैया तो यहाँ पे थक चुके हैं, तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो गाइज यहाँ से आप देख रहे हो जो बिल्कुल आपको सामने रिफ्लेक्शन दिख रहा है, वहाँ से सामने से बिल्कुल रिफ्लेक्शन दिखता है, तो पता लग जाता है कौन सा इंसान सामने खड़ा हुआ है। और सबसे अच्छी बात भाई यहाँ पे ये है कि मतलब एक तरह से सीसीटीवी का काम करता है यार भाई ये बिल्कुल स्ट्रक्चर। मतलब यार उस टाइम पे इतनी तगड़ी वाली मतलब इंजीनियरिंग लगाई जाती थी कि मतलब यार दिमाग चकरा जाएगा किसी का भी। और ये देख रहे हो भाई लोग हमारे फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, और मैं अगर जूम करके देखूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर डोर का, बिल्कुल डोर का रिफ्लेक्शन है भाई वहाँ पे, वो वाटर है, बिल्कुल सीसीटीवी वाली फुटेज बन के दिखती है कि कौन उस वाली साइड है। तो भाई है ना दिमाग लगाने वाली बात की यार, उस टाइम में भी कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, रिसोर्सेज बेशक कम थे बट टेक्नोलॉजी और दिमाग भाई हाई लेवल का था उस टाइम भी लोगों के पास। तो भाई अब ऊपर की तरफ चलते हैं हम, तो यहाँ पे तो भैया बिल्कुल थक चुके हैं। क्या हुआ भैया? थका नहीं, मैं तेरा ही वेट कर रहा था, मैंने कहा तू थक गया होगा बहुत। सही बात है यार, वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ना बहुत ज़्यादा एरिया बहुत बड़ा है भाई, घूम घूम के बंदा थक जाएगा यहीं पे। तो अभी हम फाइनली निकलते हैं यहाँ से बाहर, और गाइस ज़रूर बताना ये जगह आपको कैसी लगी, पक्का बताना कमेंट में। तो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ, तो पारस भाई मेरे ख्याल से बाहर चले गए। तो गाइस ये थी हमारे पीछे बावली इमामबाड़ा की, और बताना मुझे भाई कैसी लगी आपको ये भाई। बहुत हो गया तेरा डुप्लीकेट, ओरिजिनल शुरू। ये लो भाई, माइक लो भाई। ये आपकी हमारी बावली थी, और ये इमामबाड़ा के जस्ट बगल में ये देख सकते हैं आप, ये बड़ा इमामबाड़ा, लाइट बहुत आ रही है, और ये हमारी बावली है पीछे। गाइस जब आप लखनऊ कभी आए तो ज़रूर विज़िट करें बावली को और ये बड़ा इमामबाड़ा। वैसे लखनऊ सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जब आप आए तो यही विज़िट करें, बहुत अच्छी साइट है, पूरी फैमिली के साथ आए और लखनऊ को एक बार विज़िट करेंगे तो इसे ज़रूर विज़िट करें। और हमारे छोटे भाई के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके चैनल को थोड़ा बहुत हिट बना दो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको अगली बार। थैंक्स अ लॉट।